बीजेपी ने सांसद कल्याण बनर्जी पर किया जमकर पलटवार, कहा संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों का अपमान करना विपक्ष की परंपरा। भाजपा ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी द्वारा राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ की नकल उतारे जाने के बाद विपक्ष पर निशाना साधते हुए मंगलवार को दावा किया कि पिछड़े और साधारण पृष्ठभूमि से आने वाले और संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों का अपमान करने की INDIA गठबंधन के नेताओं की परंपरा रही है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि धनखड़ एक साधारण पृष्ठभूमि से आते हैं और उनकी जड़ें OBC समुदाय से जुड़ी हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जिस तरह से उनका मजाक उड़ाया जा रहा है वह दर्शाता है कि विपक्षी गठबंधन के नेताओं के मन में संविधान और संसदीय मानदंडों के प्रति सम्मान नहीं के बराबर है और वे हमेशा टकराव व्यवधान के पक्ष में खड़े रहते हैं। पूनावाला ने कहा कि लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने एक बार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपत्नी कहकर उनका अपमान किया था। उन्होंने कहा कि विपक्षी सदस्यों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी कई मौकों पर उपहास उड़ाया है और अपमान किया है, जबकि वह भी OBC समुदाय से और एक विनम्र पृष्ठभूमि से हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी नेता संसद को बंधक बना रहे हैं और देश के बजाय अपने और अपनी पार्टियों के हितों को प्राथमिकता दे रहे हैं। इस दौरान भाजपा प्रवक्ता ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि वैश्विक एजेंसियों ने भी लोगों के बार बार समर्थन के बाद मोदी की गारंटी पर अपनी मोहर लगा दी है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के कार्यकाल में भारत की प्रति व्यक्ति आय दोगुनी हो गई है जबकि मध्यम वर्ग की आय 4 गुना बढ़ गई है। पूनावाला ने कहा कि हाल के विधानसभा चुनावों के नतीजों ने एक बार फिर दिखाया है कि लोगों ने भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी, वंशवाद और निजी महत्वाकांक्षाओं की विपक्ष की गारंटी को खारिज कर दिया है और भारत को विकसित बनाने के मोदी के दृष्टिकोण और मिशन का समर्थन किया है। कई केंद्रीय मंत्रियों ने राहुल पर साधा निशाना। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने सभापति जगदीप धनखड़ की नकल करने वाले निलंबित तृणमूल कांग्रेस सांसद कल्याण बनर्जी के घृणित कृत्य की वीडियो बनाने और उनकी सराहना करने के लिए राहुल गांधी पर निशाना साधा। रिजिजू ने अपने एक्स पर विरोध प्रदर्शन की एक क्लिप साझा करते हुए कहा कि MP हमारे देश के माननीय उपराष्ट्रपति का मजाक उड़ा रहे हैं जबकि राहुल गांधी जयकार कर रहे हैं और घृणित कृत्य का वीडियो बना रहे हैं।